हार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंतजामिया और स्टूडेंट की मुश्तरक कावशों से पीर के दिन से शुरू होने वाला स्टूडेंट्स वीक फेस्टिवल 2012 आज इख्तिताम पजीर हुआ। फेस्टिवल में स्टूडेंट ने सकाफती और दीगर अशिया के 41 स्टॉल लगाए थे, जिसमें खासकर फीमेल की चूड़ियां और जरूरियात के दीगर अशिया शामिल थे। तलबा ने इस फेस्टिवल को खुशाइन करार देते हुए कहा, इवेंट बहुत अच्छा है क्योंकि इससे रिफ्रेशमेंट मिलती है स्टूडेंट्स को और उन लोगों को जो है ना और मौका मिलता है कि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, अपने जो है ना कुछ आइडियाज पेश करें, तो ये जो है ना हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, ऐसी इवेंट होनी चाहिए। हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे यहाँ पहला साल है, यहाँ स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं और काफी खुशी मिल रही है स्टूडेंट को, ऐसी इवेंट होनी चाहिए। फेस्टिवल में स्टूडेंट ने पुरानी सकाफती रवायत को भी पेश किया, जिसमें एक उजरा बनाया गया था और उजरे में रबाब की म्यूजिक से तलबा लुत्फानंदोज हो रहे थे। हुजरा पख्तून के लिए एक सोशल इंटरेक्शन की जगह होती है, जहाँ पे पख्तून अपनी समाजी जो मसाइल होते हैं वो हल करते हैं और गांव के हवाले से जितने भी फैसले होते हैं वो इधर हुजरे में करते हैं। तो इस तरह माहौल में बहुत वो इलाकाई वो तस्वरात होते हैं बंदे के मतलब इलाकों वाले आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं, गपशप होती है, गैदरिंग होती है, तो इस तरह के एंजॉयमेंट होना चाहिए क्योंकि हमारी सोशल एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स वीक फेस्टिवल 2012 के मुतालिक कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर ने कहा, मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी महीनों तक किताब में बेचारे डटे लगे रहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन उर्दू, बट दे आर लॉस्ट इन रीडिंग books, so there should be one month, one week which we celebrate in the name of students. aakhir mein student ne atan dance ka muzahira karke festival ko aur bhi khoobsurat banaya. sumasumur mazwayam chidwar zijwandunde rashay tamashid pakhanda haryo pukhtunde umeed atan khopar ikhtiyad zardtadunde pal watan bahat kalam dami kol dami कई सालों से जारी बदमनी और दहशतगर्दी की वजह से यहाँ एक अजीब सा खौफ था, लेकिन आज इस फेस्टिवल से ये बात साबित हुई कि यहाँ की आवाम अमन पसंद है और अमन चाहते हैं। फजल करीम, ARY न्यूज़, हंगू।